हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं आपका ड्यू SOL का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन का, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का। लेकिन गाइस कुछ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आ रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो मार्क्स कैसे कैलकुलेटेड करने हैं। गाइस वादा दे रहा हूँ, वादा एक मिनट के अंदर आपको समझाऊंगा आपको आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना होगा, एक मिनट में आपको समझा दूंगा। चुटकी भर का काम है आपको, क्योंकि गाइस मैंने जितना देर लगाया ना उसको अब आपको लगने नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने अच्छे से समझ लिया आपको कैसे ये अंडरस्टैंड करने होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डाउटों को क्लियर कर देता हूँ जो आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। गाइस सबसे पहले जो आपका डाउट बना है वो है कि अब BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स इंग्लिश और BA प्रोग्राम का कब आएगा। तो गाइस देखिए 60-70 दिन इंतज़ार करा, अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब तो मतलब वो इंतज़ार तो हो गया, लेकिन अब एक दो दिन का वो इंतज़ार है ना वो नहीं हो पा रहा है। तो सब्र रखिए भाई, एक दिन या फिर कल शाम तक या फिर आज ही देखते हैं देर रात तक, क्या पता आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा या फिर एक दो दिन के अंदर अंदर अब उनका भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो डाउट ये था, और लेकिन फिर उसके बाद कई बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि वो अपने रिजल्ट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसमें, ठीक है, PDF में। देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कई बच्चे कह रहे हैं हम रिजल्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको रोल नंबर वाले सेक्शन पे आना है। अगर आप देखिए SOL वाले रोल नंबर से देख रहे हैं ना तो आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, इतनी आसानी से, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर से आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा, क्योंकि वो सीरियल नंबर बेस दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड के आखिरी डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 01 02 03 04, तो ऐसे ही आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर देख के एक बार आपको अपना रिजल्ट जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं गाइस यहाँ से वीडियो के मेन मुद्दे पे कि आपको आपका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए गाइस इसके लिए मैंने आपके लिए खास पेज तैयार करा है। देखिए गाइस मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, आपसे एक ही सपोर्ट मांगूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी अपडेट आपको इतनी जल्दी कोई नहीं देगा जितनी जल्दी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो देखिए गाइस जो आपका रिजल्ट आया उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे। उसमें उन्होंने आपका जो रिजल्ट दिया वो टोटल ग्रेड के हिसाब से दिया है, ठीक है। टोटल ग्रेड होंगे आपके 10। अब देखिए गाइस जिनके भी मार्क्स में, देखिए जिनका भी आपको पता चलेगा, कईयों के नीचे लिखा आ रहा है 60। 60 का मतलब क्या होगा गाइस, आपका ओ यानी कि आपने उस सब्जेक्ट में टॉप किया है, ठीक है। आपको पूरे नंबर दिए गए 60 और आपको टोटल जो ग्रेड है वो आपको उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 होगा, ठीक है। यानी आपको 10 ग्रेड मिले हैं, आपको पूरे नंबर दिए गए हैं 60। और बात करते हो अब 54, 54 का मतलब क्या होगा आपका A+, यानी आपको उसमें 9 ग्रेड दिए गए हैं, ठीक है गाइस। सिंपल सा तरीका आपको यूं ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। 48 का मतलब होगा A, यानी आपको 8 ग्रेड दिए गए हैं, ठीक है। 42 B+, यानी कि 7 ग्रेड आपको उसमें दिए गए हैं। 36 यानी कि B, आपको 6 ग्रेड दिए गए हैं। C यानी कि 30, आपको 5 ग्रेड दिए गए हैं। इसके आगे आपको कोई ग्रेड नहीं दिया गया, ठीक है। इसके आगे आपको कोई ग्रेड नहीं दिया, तो ये आपको कैसे काउंट करना है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। इसके आगे गाइस, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है ना उनको याद, वो उतने बच्चे पास हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो रिजल्ट के बगल में भी लिख रखा है, लेकिन वो डायरेक्ट पास है, उनकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई कंपार्टमेंट नहीं दी गई है। और एक और मोटी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए गाइस जिन बच्चों ने भी असाइनमेंट दिए थे SOL वालों ने, गाइस उनको बहुत अच्छे परसेंटेज दिए हैं। अभी ये BCOM ऑनर्स और BCOM प्रोग्राम का है, उसके तहत मैं कह पा रहा हूँ कि अच्छी खासी आपको CGP दी गई है, 70 अबव है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा बस एक बच्चे की, मैंने गाइस जब रिजल्ट देख रहा था मैंने देखी एक की 5.0 है, बाकी सबकी 70 अबव है। 6 से बिलो भी नहीं है किसी की, बिलो 7 भी नहीं है, 7 अबव है या फिर 8 अबव है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे ना तो सब पास हुए, कोई फेल नहीं हुआ। हाँ लेकिन जिसने फेल नहीं करा उसके आगे देखिए क्या लिखा आ रहा है, उसके आगे लिखा आ रहा है AB और 00 और ER लिखा आ रहा है या फिर फेल्ड लिखा आ रहा है उसके आगे, ठीक है गाइस। इसका मतलब क्या है, या तो उसने देखिए गाइस अपना असाइनमेंट ही नहीं सबमिट किया था, या वो उसने बिल्कुल ही मतलब कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसे ही डायरेक्ट अपलोड कर दिया था खाली खाली ब्लैंक पेज, ठीक है। इसका मतलब यही है माँ की, मतलब जितनों ने अभी बनाया है उन सभी को पास किया गया, किसी को भी रोका नहीं गया, सबको निकाला गया है SOL द्वारा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको आपका रिजल्ट कैसे काउंट करना है असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन का, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और एक नीचे 3 वर्ड आ रहे हैं ना गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस यही आपसे मांग करूँगा। और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।